एक्सरसाइज 1.4 में हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे हमने, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है इसमें। फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इन दोनों सेट्स को हमें इक्वल सेट प्रूव करना है। दो सेट कब इक्वल होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। ये दोनों हम प्रूव करेंगे, एक ये और एक ये। एक बार पहले सेट को दूसरे का सबसेट शो कर दें, एक बार दूसरे सेट को पहले का सबसेट। अगर हम ऐसा करते हैं तो दोनों सेट इक्वल सेट हो जाएंगे। तो किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट लेने के लिए क्या करते हैं, उसका एक एलिमेंट लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड है, इसका एक एलिमेंट लिख के चलेंगे, उसको इसमें पहुंचा देंगे, तो ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा। अब हम डेफिनेशंस का यूज करेंगे। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बाय डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी, एक्स ए में तो होगा, बी में नहीं होगा साथ साथ, तो एंड को हम ऐसे भी लिख देते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें कंप्लीमेंट यूज हो रहा है, तो इस बी को भी हम कंप्लीमेंट में चेंज कर देंगे, फिर प्रूव हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स एक्स बी में नहीं है, इट मींस एक्स किस में है? एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है। एक्स अगर बी में नहीं है तो एक्स किस में होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक्स बी में नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब यहां से क्या कह सकते हैं, एक्स ए में भी है और बी कंप्लीमेंट में भी, दोनों में है, दोनों के अंदर कॉमन है, मस्ट है, तो एंड को किससे हटाएंगे? इंटरसेक्शन से, तो ए इंटरसेक्शन बी में चला गया एक्स। एक्स किसका एलिमेंट होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स को हम ए माइनस बी में लेके चले और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में चला गया, तो ए माइनस बी सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, एक पार्ट तो ये हो गया हमारा। अब इस दूसरे पार्ट की बात करते हैं इक्वल लेने के लिए। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। इसके लिए क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये कोई भी एलिमेंट है इस सेट का। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स ए में होगा और साथ साथ दूसरे में भी होगा, एंड बोलते हैं इसे, ये एंड का साइन है। एंड का मतलब कुछ चॉइस नहीं है, मस्ट है, वो पहले सेट में भी होगा और दूसरे में भी, एक्स एलिमेंट दोनों का है कॉमन। अब हम जो लाना चाह रहे हो तो बी की बात करना चाह रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट की। तो बी कॉम्प्लीमेंट और बी में हम रिलेशन जानते हैं, जो एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में होता है वो बी में नहीं होता, तो हम इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में तो होगा और बी में नहीं होगा साथ साथ। अब एक्स देखो ए में है, बी में नहीं है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। और यहां से हम ये कहेंगे इसमें लेके चले, इसमें पहुंच गया एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। और दोनों से हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस प्रूव। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों सेट हमें इक्वल लेने हैं। तो कोई भी दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब पहले सेट को दूसरे का सबसेट शो कर दें और दूसरे को पहले का, दो पार्ट हमें करने होते हैं।
तो देखो फर्स्ट पार्ट किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करने का तरीका क्या है, उसका एक एलिमेंट लेके चलो उसको उस सेट में पहुंचा दो तो वो सेट उसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी एक्स किस में होगा, ए में होगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बाय डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी एक्स ए में तो होगा और एक्स बी में नहीं होगा, एंड लगेगा। अब हमें बात किसकी करनी है, कंप्लीमेंट की करनी है दोनों में, ए और बी नहीं रखनी, इनको किस में चेंज करना है, कंप्लीमेंट में। और कंप्लीमेंट में हम कैसे करेंगे, हम अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट ए में है तो हम ये लिख सकते हैं कि वो ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा, क्योंकि उल्टा चलता है, जो ए में है वो ए कंप्लीमेंट में नहीं होता और जो ए कंप्लीमेंट में है वो ए में नहीं होता। तो यहां पर लिखेंगे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, क्योंकि बी में नहीं है, बी में नहीं इट मींस एक्स किस में है, बी कॉम्प्लीमेंट में है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, जो ए में है वो ए कंप्लीमेंट में नहीं होता, जो बी में नहीं है वो किस में होगा, बी कंप्लीमेंट में। अब इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकालें, इस सेट में तो है इसमें नहीं है, तो एंड के साथ है, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ और इसको पीछे लिख लेता हूँ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। अब देखो कोई भी एलिमेंट पहले सेट में है दूसरे में नहीं है तो किसकी डेफिनेशन लग जाएगी, डिफरेंस की, एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट। और यहां से हम लिख सकते हैं एक्स ए माइनस बी में था और किस में चला गया, बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट में, तो हम लिखेंगे ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी सबसेट ऑफ बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी क्या करना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट, बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, कोई भी इसके अंदर का बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट उठाया है, अगर ये इस सेट में चला गया तो हम कह देंगे ये सेट इसका सबसेट है। तो बाई डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एक्स पहले सेट में तो होगा और दूसरे सेट में नहीं होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, कि एक्स बी कंप्लीमेंट में होगा और ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जो हमें प्रूव करना है उसमें कंप्लीमेंट नहीं दिख रहा तो हमें यहां से कंप्लीमेंट हटाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, उल्टा चलता है, बी कंप्लीमेंट में कोई एलिमेंट है तो वो बी में नहीं होगा, कोई ए कंप्लीमेंट में एलिमेंट नहीं है तो वो ए में होगा। अब इसको मैं आगे लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो यहां से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो ये प्रूव हो गया बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। और इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट, हेंस प्रूव। ये सेकेंड पार्ट हो गया हमारा। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो प्रूव करना है वो ये है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो वही दो तरीके हैं, एक बार इस सेट को इसका सबसेट शो करें, एक बार इसको इसका। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो इस सेट को इसका सबसेट शो करना है। सबसेट का क्या तरीका है, इसका एक एलिमेंट लेके चलें, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब बाय डेफिनेशन हटेगा, ब्रैकेट लग रहा है तो पहले ये इंटरसेक्शन हटेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड
ब्रैकेट के अंदर जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी, ब्रैकेट वाले को भाई इंटरसेक्शन हटेगा पहले ब्रैकेट के अंदर, बाद में जाएंगे हम, इंटरसेक्शन हटा तो एंड लग गया। अब लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी बाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड है ना, ये कॉमन आ रहा है दोनों से, ब्रैकेट के अंदर ये है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए तो जरूर है, चाहे उसको कितने के साथ लिख लो, तो ये कॉमन है तो इसको मैं दोनों के साथ लगा सकता हूँ यूजिंग सेट ऑपरेशंस। एंड को मैं दोनों के साथ लगा सकता हूँ, ये कॉमन आ रहा है ब्रैकेट के बाहर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इसके साथ भी लग गया एंड एक्स, ये एंड लग गया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इसको कॉमन भी ले सकते हैं अगर एंड और के साथ है, तो यहां से कॉमन है, कॉमन है तो इसको दोनों के साथ लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर थे कॉमन तो इसको हमने दोनों के साथ लगा दिया। कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड का मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए तो है ही है, तो अब उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, इसको दोनों के साथ लगा दिया हमने। क्या लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू, यहां पर देखो एक्स किस में है, ए में है और सी में नहीं है, तो हम अपनी जरूरत के अनुसार काम करेंगे। देखो कोई एलिमेंट ए में हो अकेले में तो कह देंगे क्या वो ए इंटरसेक्शन सी में है, हम क्या लिखेंगे उसके बारे में, उसके बारे में हम ये लिखेंगे कि वो इंटरसेक्शन में नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में होने के लिए दोनों में होना चाहिए था। अगर कोई एलिमेंट ओनली ए में है और सी में नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि एक्स किस में नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन सी में नहीं होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या हुआ यहां से, ए इंटरसेक्शन सी में नहीं है, नहीं है का मतलब दोनों में होना चाहिए था जब होता, अब ओनली ए में है तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक्स ए इंटरसेक्शन सी में नहीं होगा, क्योंकि कब होता है इंटरसेक्शन सी में, जब एक्स सी में होता है। और ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा मैं, तो हमें जो प्रूव करना है उसमें ये करना है कि एक्स ए इंटरसेक्शन सी में नहीं होना चाहिए, माइनस का मतलब यहां पर एक्स ए में है और सी में नहीं है, तो एक्स अगर दोनों में होता तो इंटरसेक्शन में होता, अब किसी एक में भी अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि वो इंटरसेक्शन में भी नहीं है। एक्स एलिमेंट देखो ए इंटरसेक्शन बी में तो है और इसमें नहीं है, तो किसकी डेफिनेशन, एक सेट में और दूसरे में नहीं हो तो किसकी डेफिनेशन है, माइनस की, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये एक पार्ट तो ये हो गया। फिर देख सकते हैं यहां पर हमने इंटरसेक्शन को एंड से हटाया, फिर ब्रैकेट को सोल्व किया, बी ये एक्स बिलोंग्स टू ए एंड क्या आ रहा है, कॉमन, तो एंड के साथ एक्स ए में है और ये चीजें हैं दोनों, ए में तो है ही तो उसको हम दोनों के साथ लगा सकते हैं यूजिंग सेट ऑपरेशंस। ऐसे अगर कॉमन आ रहा हो, एंड के साथ आ रहा हो चाहे और के साथ आ रहे हो, और होता तो भी उसको दोनों के साथ लगा सकते हैं, याद रखेंगे इसको, तो दोनों के साथ हमने लगाया, ये क्या बन गया, दोनों में है तो ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए में है सी में नहीं है, तो क्या कहेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, और एक सेट में है दूसरे में नहीं है तो उनके किस में आ गया, डिफरेंस में, तो ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये प्रूव करना है हमें इससे आगे, तो ये हम देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे इसमें पहुंचा देंगे, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। एनी आर्बिटेरी एलिमेंट, एनी आर्बिटेरी एलिमेंट तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, दोनों के बीच माइनस है, माइनस का मीनिंग क्या होता है, पहले सेट में तो होगा दूसरे में नहीं होगा। अब इनको हम अलग अलग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड यहां पर देखो एक्स ए में तो श्योर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स ए में नहीं होगा, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एंड का मतलब ये बात जरूर पूरी होगी, तो पूरी होगी तो ए इंटरसेक्शन सी में कोई चीज नहीं आ रही, इसका मीनिंग क्या है कि वो ए तो ए में तो है लेकिन किस में नहीं रही होगी, सी में नहीं रही होगी, क्योंकि उसने कह रखा है कि एक्स ए में है बी में है एंड एंड का मतलब एक्स ए में जरूर है बी में भी है। अब वो बात अलग है कि ए इंटरसेक्शन सी में नहीं है तो किस वजह से नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, उसके पीछे तीन वजह होंगी, या तो वो ए में नहीं है, या वो सी में नहीं है, या फिर वो दोनों में ही नहीं है। तो यहां पर कौन सा केस बन रहा है, ए में तो एक्स एंड लग रहा है, एंड का मतलब ए में जरूर एक्स, तो अब एक ही केस बचा, ए में है तो किस में नहीं होगा, सी में नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड है ना, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सभी में से, दोनों में से एक्स बिलोंग्स टू ए एंड क्या आ रहा है, कॉमन दोनों ब्रैकेट्स में, तो इसको मैं बाहर ले लूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये कॉमन ले लिया, और जो बच गया उनके बीच ऑपरेशन लगा देंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ऑपरेशन था, कॉमन आ गया क्योंकि एक्स ए में तो श्योरली है ही, तो ये लगा सकते हैं कि एक्स ए बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इस दोनों केसेस में एक्स किसके अंदर है, ए के अंदर है, तो हम मना नहीं कर सकते कि एक्स ए में नहीं होगा, तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इसको हमने क्या ले लिया, दोनों ब्रेकेट से कॉमन, और होता तो और के साथ आ जाता, यहां पर एंड है। अब ये किसकी डेफिनेशन है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ये किसकी डेफिनेशन है, डिफरेंस की है, एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी, अब देखो एक्स ए में तो है और साथ साथ बी माइनस सी में भी, एक्स ए में होने के साथ साथ एक्स बी माइनस सी में भी है, तो एक्स किस में होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, एक्स दोनों में हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये कर दिया हमने प्रूव। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, तो इसमें भी दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट तो ये होगा ए यूनियन बी माइनस सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, एक बार इस सेट को इसका सबसेट दिखाएंगे और एक बार इस सेट को इसका सबसेट दिखाएंगे, शो करेंगे। तो यहां पर मैं एक एलिमेंट लेकर चलता हूं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन किससे हटता है, और से, और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी, यहां पर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी बाई डेफिनेशन ऑफ बी माइनस सी। अब ये और ब्रेकेट के साथ है, हमने बताया था एंड हो चाहे और हो, ब्रेकेट के साथ हो तो उसको हम दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे क्योंकि वो कॉमन के रूप में होता है, तो दोनों के साथ लगा सकते हैं इसको, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ए और है, चॉइस है दोनों के साथ, तो दोनों के साथ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, और हो चाहे एंड हो उसको दोनों के साथ लगा सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू बी दोनों के बीच क्या है एंड, फिर ये इसके साथ भी लग जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड, देखो एक्स ए में है
या फिर एक्स सी में नहीं है। हमें क्या करना है, एक्स किस किस में नहीं जाना चाहिए, सी माइनस ए में नहीं जाना चाहिए। तो देखो दो बातें हुई, या तो एक्स ए में है या फिर एक्स सी में नहीं है। तो हम सोचेंगे अगर एक्स ए में है तो क्या गया सी माइनस ए में, नहीं गया। एक्स अगर ए में है तो एक्स सी माइनस ए में जाएगा क्या? देखो सी माइनस ए कैसे बनता है, जैसे ये ए सेट है ये सी है, तो सी माइनस ए कैसे बनेगा, सी सेट में से एक एलिमेंट हटा दो, ये रीजन है सी माइनस ए, ये रीजन है सी माइनस ए। अब कोई एलिमेंट अगर ये पहली बात हुई तो हम देखेंगे, इसने कहा एक्स ए में है, ए में है तो क्या एक्स सी माइनस ए में है, नहीं है। तो इसके बेस पर हम लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस ए, अगर ये बात हुई तो पहला केस बात। अब दूसरे केस के बारे में भी सोच लो, अगर ये नहीं हुआ ये हो गया, और का मतलब च्वाइस होती है। अगर एक्स सी में नहीं है तो सी से बाहर है, जब सी में नहीं है तो सी माइनस ए में कहां से होगा, तो मैं ये लिख सकता हूं अगर एक्स ए में है और सी में नहीं है, एक्स अगर ए में है तो भी सी माइनस ए में नहीं होगा, और अगर एक्स सी में नहीं है सी वाले सर्कल में भी नहीं है तो भी हम कहेंगे एक्स सी माइनस ए में नहीं है, क्योंकि सी माइनस ए तो सी का क्या होता है, सबसेट। तो दोनों बातों के बेस पर मैं ये लिख सकता हूं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस ए। सी माइनस ए का मतलब सी में तो है वो और ए में नहीं हो, लेकिन ये डज नॉट बिलोंग कह रहा है तो सी माइनस ए के अंदर नहीं आना चाहिए, सी माइनस ए ये जगह है। सी माइनस ए में कोई भी एलिमेंट ए का नहीं होता, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो सी माइनस ए में नहीं होगा, अगर कोई एलिमेंट सी में नहीं है तो भी मैं कह सकता हूं कि वो सी माइनस ए में नहीं होगा। एंड लग रहा है तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और एक सेट में है दूसरे में नहीं है तो क्या बन गया, डिफरेंस सी माइनस ए, दोनों सेटों के बीच डिफरेंस आ गया, तो ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस सी, तो इसका एलिमेंट लेके चलेंगे इसमें पहुंचा देंगे, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। अब देखो यहां से क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस ए, यहां से खोल लेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस ए। देखो सी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने इससे पहले प्रूव किया था, सी माइनस ए को हम लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, पहले वाला सेट और दूसरे सेट के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, और बिलोंग होता है जब तो इंटरसेक्शन का एंड बन जाता है, डज नॉट बिलोंग है उसका उल्टा है, तो यहां भी उल्टा हो जाएगा, एंड की जगह क्या हो जाएगा और, तो ये बन गया एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। डज नॉट बिलोंग है, अगर बिलोंग होता तो एंड का एंड बनता है इंटरसेक्शन का, लेकिन डज नॉट बिलोंग उल्टा होता है, तो जब इसको खोल लेंगे डज नॉट बिलोंग के साथ खोलेंगे तो उल्टा हो जाता है, एंड का क्या हो जाता है और, डज नॉट बिलोंग है तो। अब ए कंप्लीमेंट की बात नहीं करनी हमें, तो ए की बात करनी है, तो ए कंप्लीमेंट को ए की टर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कोई चीज ए कंप्लीमेंट में नहीं है इट मीन्स वो किस में है, ए में है, इसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों से देखो तुम, एक्स बिलोंग्स टू ए और क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों से, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और हम क्या ले सकते हैं, कॉमन, एक्स बिलोंग्स टू ए और दोनों के साथ है तो इसको मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, क्या बचा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, यहां से क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी। देखो और किस में बदली हो जाता है, यूनियन में, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन
बी माइनस सी, ये प्रूव हो गया हमारा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी, इस सेट में लेके चले, इसमें पहुंच गया, तो ये सेट इसका क्या हो गया, सबसेट।